भक्ति भ्रमण यात्रा आस्था और विश्वास की। आज के इस नए एपिसोड में और बहुत बड़े अंतराल के बाद आपका ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनक चोपड़ा एक बार फिर आपके लिए कुछ नया लेकर हाजिर हूँ। राधे राधे दोस्तों। हिंदू पुराणों के अनुसार एकादशी एक ऐसा महाव्रत है जो कई तरह के पापों और कई कष्टों से हमें दूर करता है। तो आज मैं आप सभी के लिए एकादशी व्रत कथा लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये नया एपिसोड और एक नई शुरुआत बहुत पसंद आएगी। आप सभी का साथ पाते हुए और श्री कृष्ण की कृपा पाते हुए चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने वाली एक कुल्हाड़ी के समान होता है। ये अंधकार से बाहर निकालने वाली रोशनी के समान होता है और एकादशी का व्रत ही हमें भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा का फल प्रदान करता है। आज की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है और खास बात तो ये है दोस्तों कि इस एकादशी का योग 2 दिन का पड़ रहा है, यानी कि आज 5 जून और 6 जून को। हिंदू पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं क्योंकि ये अपार धन धान्य और पुण्य देने वाली होती है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस एकादशी की कथा। कहते हैं कि प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक राजा था जिसका छोटा भाई था वज्रध्वज। बड़ा भाई जहाँ एक पुण्य आत्मा था और कई तरह के पुण्य कर्म करता था, वहीं छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही क्रूर अन्यायी और पापी था। वो हर तरह से किसी न किसी तरह का उत्पात मचाता रहता। छोटा भाई वज्रध्वज इतना क्रूर था कि अपने बड़े भाई के अच्छे कर्म भी उसे बुरे लगने शुरू हो गए। एक रात्रि समय पाकर और मौका देखकर उसने अपने बड़े भाई का वध कर दिया, उसे मृत्यु के घाट उतार दिया और जंगल में उसकी लाश को ले जाकर एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण महीध्वज एक प्रेत बन गया और वहीं उस पीपल पर रहने लग गया। लोगों को तंग करना, उत्पात मचाना उस प्रेत का कार्य बन गया। हर रोज की तरह वो अपने कार्य में लगा रहता था। एक रोज महर्षि धन्य वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने पीपल पर बैठे उस प्रेत को देखा। अपने योग से और अपने ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि ये प्रेत महीध्वज नाम का एक पुण्यात्मा राजा है। उन्हें उस पर तरस आ गया और प्रेत को नीचे बुलाकर अपने पास बिठाया और उसे स्वर्ग जाने का उपदेश दिया और कैसे मुक्ति पानी है ये भी बताया। और उन्हीं ऋषि धन्य ने अपरा एकादशी का व्रत किया। अपरा एकादशी का व्रत रखने के बाद उसका पुण्य कर्म, उसका सारा महत्व उन्होंने उस प्रेत को प्रदान किया, जिसके कारण एक पुष्पक विमान आया और उस प्रेत को प्रेत योनि से मुक्त करके स्वर्ग लोक की ओर ले गया। देखिए दोस्तों, कथा बेशक छोटी सी है लेकिन कितना महत्व है। ये अपरा एकादशी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण एकादशी है जिसका व्रत रखने से कार्तिक पूर्णिमा में पुष्कर स्नान, गंगा घाट पर किया हुआ पिंड दान, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र का स्नान, मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज धाम का स्नान, शिवरात्रि का व्रत, गोदान, स्वर्ण दान, इन सभी दानों को आप एक साथ जोड़ भी लें तो अपरा एकादशी का व्रत करने के फल को बराबरी नहीं दी जा सकती। इस एकादशी का इतना ज्यादा महत्व है। हम मनुष्य जाने अनजाने में कहीं ऐसे पाप कर जाते हैं जिसका फल हमें बाद में भुगतना पड़ता है। अपरा एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है दोस्तों जो हमारे जाने अनजाने किए गए पापों के फल से हमें बचाता है और हमें प्रभु की राह पर लेकर जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये नई कथा और एक नया एपिसोड बिल्कुल पसंद आया होगा। आपके लिए जल्द ही एक नई कथा लेकर मैं जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। राधे राधे।